ग्रुप डी में महिलाओं के लिए सबसे अच्छी पोस्ट असिस्टेंट पॉइंट्समैन की है। इस वीडियो में देखेंगे इनके कार्य एवं प्रमोशन। नमस्कार, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन फ्लैग करके दिखा रही हैं महिला पॉइंट्समैन। ये सिग्नल एक्सचेंज करना होता है दोस्तों ड्राइवर से और लास्ट व्हीकल में जो बैठे होते हैं गार्ड से। और कुछ क्लिप देख सकते हैं, ये शंटिंग हो रहा है अभी, जिसमें महिला पॉइंट्समैन शंटिंग का कार्य करा रही हैं। और इसमें पूरा चर्चा करेंगे दोस्तों जो 20 विभिन्न कार्य हैं इनके। पहला है ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के अधीन सभी कार्य एवं बताए गए सभी निर्देशों का पालन करना। दूसरा, सभी प्रकार के शंटिंग कार्य निष्पादित करना। तीसरा, रोड साइड स्टेशनों पर ट्रेन के लोको पायलट एवं गार्ड के लाइन बॉक्स को उतारना एवं चढ़ाना। चौथा, आउट रिपोर्ट कॉशन ऑर्डर एवं अन्य मेमो को देना। पांचवा, स्टेशन के सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित एवं सुसज्जित करना। छठा, पॉइंट में ब्लास्ट एवं गेट पर चेक रेल की साफ सफाई करना। सातवां, सेफ्टी डिवाइस की साफ सफाई एवं स्टेशन ऑफिस में स्टेशन मास्टर की सहायता करना। यहाँ पर देख सकते हैं पुराना सिस्टम था। आठवां, ऑफ साइड से आती हुई गाड़ी को ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान करके एलवी मीन्स लास्ट व्हीकल टेल बोर्ड को देखना। नौवां, असामान्य परिस्थितियों में गेट क्रैंक हैंडल, पॉइंट क्रैंक हैंडल एवं गाड़ियों को पायलट करना। दसवां, ट्रेन इंटैक्ट एवं शंटिंग ऑर्डर पर गार्ड से हस्ताक्षर कराना। ग्यारहवां, पैसेंजर ट्रेन से कैश बैग एवं अन्य पार्सल, लैगेज, न्यूज़पेपर आदि हेतु ब्रेक वैन अटेंड करना। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये पुराना सिस्टम था पॉइंट चलाने का। आज के डेट में यह स्टेशन ऑफिस से स्टेशन मास्टर ऑपरेट करते हैं। बिना चार्ज दिए कार्य मुक्त नहीं होना, चार्ज पूर्णतः फिजिकली देना। ट्रैक सर्किट सिग्नल ब्लॉक उपकरण खराब होने पर विशेष ड्यूटी एवं लगातार सतत एवं सजग रहना। ब्लॉक के दौरान आइसोलेटर को खोलना एवं बंद करना। घायल यात्रियों की सहायता हेतु विशेष ड्यूटी नामित। ड्यूटी के दौरान पॉइंट फ्लैशिंग के मामले में तुरंत पॉइंट पर जाना। जिस तरीके से अभी देख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट्समैन महिला पॉइंट्समैन पॉइंट्स ला रही हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। ट्रैक ड्रॉप के मामले में रेल पथ का फिजिकली निरीक्षण करना कि रेल फ्रैक्चर तो नहीं है, और फिर तुरंत सूचना देना स्टेशन मास्टर को। लोड स्टेबल के दौरान गुटके एवं जंजीर बांधना। ब्रेक कसने एवं खोलने में गार्ड एवं लोको पायलट की सहायता करना। टीआई मीन्स दोस्तों ट्रैफिक इंस्पेक्टर, काउंसलिंग में साइट पर जाकर कैक हैंडल, आइसोलेटर, गेट कैक हैंडल आदि का परीक्षण लेना एवं स्वयं संचालित करके देखना। विभिन्न कार्य में आखिरी पॉइंट जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉइंट डिसकनेक्शन के दौरान पॉइंट पर सजग रहना एवं आवश्यकता अनुसार पॉइंट क्लैंप करना एवं खोलना। तो इस तरीके से दोस्तों ये 20 पॉइंट जो है, यही है महिला पॉइंट्समैन की के कार्य हैं। अगर सैलरी की बात की जाए तो इनकी सैलरी 28 से 30,000 रुपये अब होने वाली है, क्योंकि 18,000 बेसिक प्ले प्लस 42% डीए जो कि 7,560 रुपये होता है, प्लस 1,800 एचआरए, प्लस 1,052 ट्रांसपोर्ट अलाउंस, प्लस नाइट ड्यूटी अलाउंस 128 रुपये पर नाइट, सीनियरिटी के हिसाब से नाइट अलाउंस बढ़ते जाता है। तो एक ओवरऑल देखें तो अभी के डेट में असिस्टेंट पॉइंट्समैन, चाहे वो महिला हो या मेल हो, 28 से 30,000 रुपये उनकी सैलरी होने वाली है। और यहाँ पर ये पॉइंट सेट कर रही थी मैडम और इनका कार्य हो चुका है। ये पहले ऐसा होता था दोस्तों, अब स्टेशन मास्टर, जैसे कि मैं बताया, पॉइंट खुद एक क्लिक करने पर वो सेट हो जाता है पैनल के थ्रू।
तो ये इस वीडियो में हमने चर्चा की है दोस्तों। अब प्रमोशन की बात करते हैं। एलडीसी के लिए दोस्तों पॉइंट्समैन 3 साल में एलिजिबल हो जाते हैं और एलडीसी बहुत सारे पोस्ट की आती है, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसे अब पहले गार्ड बोलते थे, स्टेशन मास्टर, टीटी, सब पोर्टर से ही जाते हैं दोस्तों, मींस असिस्टेंट पॉइंट्समैन से। जीडीसी और एलडीसी, जीडीसी के लिए तो पहली साल से एलिजिबल हो जाते हैं जब से आप ज्वाइनिंग करें, हालांकि अभी नियम कानून बदल रहे हैं। और एलडीसी के लिए जैसे कि मैं बताया 3 साल लगता है अगर गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना हो, 5 साल लगता है अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं। फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो ट्रैवलिंग पास मिलता है, क्वार्टर मिलता है, मेडिकल मिलता है और बच्चों का अलाउंस मिलता है पढ़ाई के लिए। तो इस वीडियो में हमने पूरा एक एक चीज़ डिस्कशन किया है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे। ये थी असिस्टेंट पॉइंट्समैन महिलाओं की कहानी भारतीय रेलवे में। पहले दोस्तों इस तरीके से पॉइंट मैन्युअली सेट होता था, आज के डेट में ये सारा चीज़ पैनल के थ्रू होता है। हालांकि शंटिंग में पूरा पॉइंट्समैन का योगदान होता है।